नमस्कार, द रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बैंक और बैंक से जुड़े हुए घोटालों की एक और कड़ी है, यानी वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई बैंक और उसकी सीईओ चंदा कोचर से जुड़ी हुई ये कहानी है। एक ऐसा बैंक जिसने बहुत बड़ी राशि एक व्यक्ति को दी और उसके कुछ समय बाद उसको एनपीए घोषित कर दिया। खैर, इस कहानी के अंदर हम बाद में जाएंगे, पहले आपसे जान लें, आपने यकीनन कोई ना कोई लोन तो लिया ही होगा। गाड़ी का लोन, स्कूटर का लोन, बाइक का लोन, घर का लोन, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिडिल क्लास इसी पे जीता है। कुछ भी खरीदना है, यहाँ तक कि फ़ोन भी अगर खरीदना है तो ईएमआई से हम ले लेते हैं। आपको ये भी यकीनन पता होगा कि एक छोटे से लोन के लिए भी आपको कितने ज़्यादा कागजात इकट्ठे करने पड़ते हैं। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दीजिए, अपनी सैलरी स्लिप दीजिए, अपने ऑफिस का एड्रेस बताइए, आप क्या कार्य काम करते हैं वो बताइए, आधार कार्ड दीजिए, वोटर कार्ड दीजिए, राशन कार्ड दीजिए, आपके पास जितने भी कागज़ हैं वो सब ले लेते हैं। जब आप विफल होते हैं अपनी एक भी ईएमआई जमा करने में तो आपको बैंक बहुत बड़ी एक फ़ाइन लगाता है। अगर आप कुछ समय तक ईएमआई नहीं देते हैं तो आपका कोई भी वो सामान है, यानी घर, गाड़ी, स्कूटर, कुछ भी, वो बैंक जब्त कर लेता है। क्या आपको लगता है ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनके साथ भी ऐसा ही बैंक करता है? शायद नहीं करता है, क्योंकि इनकी कंपनियाँ टस की मस बनी रहती हैं, चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे वीडियोकॉन के ओनर हो, ये सब लोगों की शानो शौकत और ज़्यादा बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, यही है आज की पूरी कहानी जो आपको हम विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हुए तो ये पूरी कहानी बिगड़ जाएगी, पूरी कहानी का ताना बाना, पूरा सार जो है आप नहीं समझ पाएंगे। ये मामला शुरू होता है वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई से जुड़ा हुआ मामला है ये। थोड़ा सा चंदा कोचर के बारे में हम जान लेते हैं। चंदा कोचर जो है आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ हैं। चंदा कोचर की पैदाइश जोधपुर, राजस्थान में हुई। 11 साल की उम्र में उनके पिता के निधन के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में जमनालाल बजाज कॉलेज से इन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई करी और वहीं से इन्होंने मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करी। वहीं पर इनकी मुलाकात दीपक कोचर नामक एक व्यक्ति से होती है, प्यार परवान चढ़ता है और कुछ सालों बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। चंदा कोचर की जो पहली नौकरी थी वो थी आईसीआईसीआई कंपनी से, यानी 1984 में चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई के साथ अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करी। उस समय आईसीआईसीआई बैंक नहीं था, आईसीआईसीआई कंपनी थी, वो कंपनी जो रिटेल सेक्टर, क्लोथिंग सेक्टर और सीमेंट के अलावा और कई सेक्टर्स में अपना काम करती थी। सन 1993 में, यानी 1993 में आईसीआईसीआई कंपनी को ये लगा कि वो बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ कर सकते हैं। तो एक टीम बनाई गई आईसीआईसीआई कंपनी में, उनको ये कहा गया कि आप एक साल में हमें एक बैंक बना के दिखाएं। चंदा कोचर और उनकी टीम ने 1994 में, यानी 1994 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना करी और तब से चंदा कोचर बैंकिंग सेक्टर में चली गई। छोटे पद से लेके धीरे 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 सन 2009 में चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बन गई। चंदा कोचर के पति की एक कंपनी थी जिसका नाम था पेनाकल एनर्जी, जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे काम कर रहे थे। उस तरफ जो वीडियोकॉन के ओनर हैं वेणुगोपाल दूत, इन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, ये बहुत अच्छे दोस्त थे। वीडियोकॉन के पास दो कंपनियां थीं, एक कंपनी जो कि वीडियोकॉन आप सभी को पता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती थी, वीडियोकॉन की एक और कंपनी थी जो भी एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है, उसका नाम था सुप्रीम एनर्जी। खैर, यहाँ तक मसला सही है। 2008 में एक कंपनी, तीसरी कंपनी की शुरुआत होती है जिसमें 50-50% पार्टनर होते हैं, यानी दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत, इन दोनों ने मिलकर नू पावर नाम के कंपनी की शुरुआत करी। 2009 के आते आते वेणुगोपाल धूत ने जो अपनी डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया और जो भी उनके पास शेयर था उसको दीपक कोचर को ट्रांसफर कर दिया। दीपक कोचर को अगले ही साल कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, जिसमें 64 करोड़ रुपए सुप्रीम एनर्जी से उन्होंने लोन में लिया। लोन के बदले वेणुगोपाल धूत ने ये शर्त रखी कि इस कंपनी में, यानी न्यू पावर के जो शेयर्स हैं वो उनको वापस से ट्रांसफ़र करे जाएं, यानी 94-95% न्यू पावर के शेयर्स जो हैं वो वापस से वेणुगोपाल धूत के पास आ जाते हैं।
8 महीने के भीतर भीतर यानी 2011 में वेणुगोपाल ने अपने सारे शेयर उनके एक करीबी दोस्त हैं जिनका नाम है महेश चंद्र फुगालिया उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। 29 सितंबर 2012 से लेकर 29 अप्रैल 2013 तक ये फुगालिया साहब के पास ये कंपनी रहती है। उसके बाद फुगालिया जी जो हैं अपनी इस कंपनी को पिनाकल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। पिनाकल एनर्जी ये वो कंपनी है जो कि दीपक कोचर की कंपनी है, जो 2008 में ये कंपनी बनाई गई थी। 2013 के आते आते यहाँ वहाँ घूम घाम कर वापस दीपक के पास पहुँच जाती है। यहाँ तक मसला साफ नज़र आता है, लेकिन मसला तब बिगड़ता है जब ये जानकारी प्राप्त होती है कि दीपक जी को, दीपक कोचर को ये कंपनी मात्र 9 लाख रुपए में मिल जाती है। यानी इतनी बड़ी एनर्जी की कंपनी जो कि सिर्फ 9 लाख रुपए में कैसे दीपक कोचर को हासिल होती है। अगर आपको एक बारी और थोड़ा सा सारांश दे दें, 2008 में कंपनी की शुरुआत होती है, 2009 में वेणुगोपाल जी जो हैं अपने सारे शेयर दीपक कोचर को ट्रांसफ़र करते हैं, 2010 में दीपक कोचर वेणुगोपाल धूत को लगभग अपने सारे शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं, वेणुगोपाल धूत जो हैं अपने दोस्त को अपनी पूरी कंपनी ट्रांसफ़र कर देते हैं और उनके वो दोस्त जो गुगालिया जी हैं वो दीपक को 2013 आते आते सिर्फ 9 लाख रुपए में अपनी कंपनी बेच के निकल जाते हैं। अब मामला खुलता है जब आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2012 में ही वेणुगोपाल धूत को अपने वीडियोकॉन कंपनी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। जब पैसों की ज़रूरत थी तब उनकी मदद करी दीपक कोचर और उनकी बीवी यानी चंदा कोचर ने। उनको 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। एक किसी भी अगर आप घोटालों में अगर आप देखें तो एक लीड बैंक होता है और वो लीड बैंक पहले खुद से कुछ एक पैसे देता है और धीरे धीरे बाकी तमाम बैंक्स उसके भरोसे देते हैं। ऐसा ही पिछले जितने भी बड़े घोटाले हैं उसमें देखा गया है। एक अनुमान के हिसाब से ये बताया जा रहा है ये जो रकम है ये 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। सिर्फ ICICI ने जो सीधे तौर पर दिए हैं वो हैं 3,250 करोड़ रुपये। खैर, मसला तब चंदा कोचर के ऊपर ज़्यादा तीखा होता है जब ये पता पड़ता है वो जो लोन देने की जो कमेटी थी उस कमेटी की एक सदस्य चंदा कोचर भी थी। अगर बैंक के रूल्स को आप देखें, RBI के रूल्स को अगर आप देखें, तो अगर आपका दोस्त, आपके परिवार का कोई सदस्य अगर उसको लोन की ज़रूरत है तो बैंक लोन नहीं देता है। यहाँ पर जब चंदा कोचर को पता था जो वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत हैं वो उनके पति के बिजनेस पार्टनर हैं तो उनको ये रकम कैसे दी गई। मसला और ज़्यादा तब गहराता है जब 2017 के आते आते 3,250 करोड़ रुपए में से 2,810 करोड़ रुपए NPA घोषित कर दिए जाते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट। यानी बैंक ये मान लेता है कि ये जो पैसे हैं, ये जो रकम हमने दी है वो हमारे पास वापस नहीं आएगी। अगर इस पूरे मसले को आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कंपनी 9 लाख रुपए की दीपक कोचर को मिली थी वो यकीनन 9 लाख रुपए की नहीं थी, वो कंपनी हज़ारों करोड़ की थी। यानी 3,250 करोड़ रुपए में उस कंपनी का सौदा हुआ। दीपक कोचर ने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए, अपनी बीवी के पद का उन्होंने दुरुपयोग किया। उनकी बीवी और दीपक कोचर, यानी दीपक कोचर और चंदा कोचर दोनों ने मिलके ICICI बैंक के द्वारा वो पैसे दिलाए जिसके बदले में उनको ये कंपनी हासिल हुई। लगभग मुझे लगता है कि आपको ये मसला पूरा समझ आ चुका होगा। यानी आप और हम जब बैंकों के पास जाते हैं हमें बैंक बहुत ज़्यादा ध्यान से, एक रुपए भी अगर हो तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से खोजबीन कर कर देता है। यही क्यों एक बड़े उद्योगपति के साथ नहीं होता है, क्यों उन लोग की संपत्ति नहीं जब्त होती है, क्यों NPA नामक एक चीज़ उन्हीं लोगों के लिए होती है, क्यों NPA किसानों के लिए नहीं होता है, क्यों NPA गरीब मजदूर के लिए नहीं होता है जो अपने छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए छोटा मोटा लोन लेता है और वो नहीं चुका पाता है, क्यों ये फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बिजनेसमैन को ही होता है, और वो भी तब जब आपको पता है कि ये पैसा नहीं लौटा रहे हैं, देश का काफ़ी सारा पैसा इन्हीं कुछ चुनिंदा परिवारों के पास यानी बिजनेसमैन परिवारों के पास जब्त है, यानी डूब चुका है बैंकों के हवाले से।
यकीनन आप सबको ये सुनकर अब समझ आ गया होगा कि बैंक हमसे जितना भी फाइन लेता है, जितने भी तरह के घुमा फिरा के चार्जेस लेता है, वो सब इन्हीं लोगों की कारस्तानियों की वजह से है। अगर ये लोगों को सही से बैंक लोन दे और सही से उसकी वसूली करे तो शायद हमसे बैंक इस तरह के बेफिजूल के फाइंस नहीं लेगा। और ये जो फ़ायदा है ये मजदूरों को और किसानों को, हमारे देश के किसानों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हमारी विनती है कि अपने जो बाकी जो चार दोस्त बाहर घुमा रखे हैं, यानी विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, और इस तरह के और कुछ सपूत हैं हमारे देश में जो NPA के नाम पर खूब मज़े ले रहे हैं, NPA के नाम पर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, जो तिजोरी उनके घर से बाहर निकलनी चाहिए, उनकी तिजोरियों से बाहर माल निकलना चाहिए और हमारे देश के ज़रूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए, हमारे देश के किसानों तक पहुंचना चाहिए। हमारे देश की प्रगति जो थमी है वो इन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से है। आप इनको थोड़ी नकल कसें इनकी और हमारे देश का पैसा सही जगह पर लगाने की कोशिश करें। बने रहें हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधी आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।